हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट्स देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, शो दैट द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज पैराबोलिक इन नेचर. कैसा पाथ वो फॉलो करेगा? पैराबोलिक होगा उसका नेचर. और शो दैट द पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव करेगा तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. तो इसको आपने प्रूव करना है. क्वेश्चन क्या है आपके पास? चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक. तो ये मतलब है क्वेश्चन का यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज है एट ओरिजिन. यहाँ पर मैं ले रही हूँ जैसे ओ पॉइंट मैंने ले लिया. तो यहाँ पर जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. जैसे ही अगर हमने इस चार्ज को विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया हुआ है, और इसको आप क्या करोगे, यहाँ से थ्रो करोगे, ओ पॉइंट से आप थ्रो करोगे, तो यहाँ पर आगे एक स्क्रीन लगी हुई है. ये एक स्क्रीन है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक स्क्रीन है. तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से थ्रो करोगे, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर सी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर सी पॉइंट पर, ठीक है, स्ट्राइक करेगा. ये स्क्रीन है आपके पास, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा. उसके बाद आपने क्या बताना है, ये तो था जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया हुआ है इस केस में. तो चार्ज पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया तो ये स्क्रीन पर यहाँ पर सी पॉइंट पर टकराया, यहाँ पर सी पॉइंट पर. ये आपके पास स्क्रीन है कोई. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप किया. ये ले लिया आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जो चार्ज पार्टिकल है उसको कहाँ रखा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा. अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पूरा स्टडी किया हुआ है डिटेल में. ये नेगेटिव चार्ज, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव. जैसे ही आपने अब चार्ज पार्टिकल को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो जब आपने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से, अब जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, उसका मास एम है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करेगा तो अब वो यहाँ से मूव करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, ये एक्स, अलोंग ये इसकी एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ से मूव करेगा दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी. अब ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक इसका एक्स एक्सिस और ये हम वाई एक्सिस बना रहे हैं, दिस वन ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. जैसे ही यहाँ से चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ एंटर करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे ये एंटर करेगा, यहाँ पर नेगेटिव
की तरफ अट्रैक्ट होगा, जहां पर नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। डायरेक्शन किस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो चार्ज पार्टिकल होगा वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस रीजन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को छोड़ेगा, तो ये ट्रैवल करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और कहाँ हिट करेगा, ये स्क्रीन पर हिट करेगा एट पॉइंट पी, ऐसे करके पी पॉइंट पर हिट करेगा। अभी दोबारा से आप ध्यान से सुनेंगे। अब देखो ये इसने अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस डिस्टेंस आ जाएगी पार्टिकल की। देखो जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हिट करेगा, स्क्रीन पर सी पॉइंट पर, अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे मूव करेगा, और सी पॉइंट पर क्या करेगा, हिट करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और जैसे ही इसने इस रीजन को छोड़ा, इस रीजन को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को छोड़ा, तो इसने ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पार्टिकल आपका मूव किया और स्क्रीन पर पी पॉइंट पर हिट किया, पैराबोलिक पाथ उसने ट्रेवल किया। तो अब आपको पता ही है कि जब भी आपने देखो ये अब आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है। तो कितनी फोर्स, कितनी ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता ही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, पता है आपको ये, अब आपको पता है ये फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लगेगी पार्टिकल के ऊपर, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस वन। अब जो डायरेक्शन है फोर्स की वो है डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज पार्टिकल होगा तभी वो डिफ्लेक्ट होगा। तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास फोर्स पर यूनिट मास। तो जो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू आप लिख देंगे Q इंटू ई अपॉन एम, और इसी को ही आपने अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब फर्दर आगे क्या किया आपने, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ ना चार्ज पार्टिकल, उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को छोड़ा, तो वो एकदम से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो मूव करेगा आगे, और कहाँ पर हिट किया उसने, पी पॉइंट पर, स्क्रीन के पी पॉइंट पर। तो अब जो आपके पास, अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपने स्टडी किया ही हुआ है, तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगा उसको हिट करने में, यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मूव किया। तो आप बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को उसको ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा, तो आप क्या यूज करोगे, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आपको पता ही है। अब फॉर हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन में क्या होगा, अब आप देखेंगे डायग्राम में, जब पार्टिकल s हॉरिजेंटल के लिए s इज इक्वल टू एक्स आएगा, और जो जब पार्टिकल मूव हुआ u इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है v के साथ मूव करेगा, एंड
एक्स रिलेशन मैंने बता दिया आपको कितना रहेगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा पार्टिकल के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, जब पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ये समझ आ गया होगा आपको पॉइंट। तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी और हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस है वो एक्स आ जाएगा, यू वी और टी, और ये आपके पास जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगी वैल्यू। और कितना टाइम लगा उसको ट्रेवल करने में, एक्स अपॉन वी निकाल देंगे आप। इनिशियली जो पार्टिकल था वो अलोंग एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में ही मूव किया है, वो ऐसे करके आएगा, फिर यहाँ से वो यूं करके टर्न होगा। फिर आपने क्या करना है, फॉर वर्टिकल मोशन बताना है कि वर्टिकल मोशन में क्या होगा। तो वर्टिकल मोशन में भी आपने यही करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब वर्टिकल मोशन अलोंग ये देखो कितना उसने वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है, एस इज इक्वल टू वाई ले लेंगे आप यहाँ पर, और यू आपको पता है अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा, अलोंग वाई एक्सिस की आप बात कर रहे हैं तो यू जीरो होगा। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी एक्स रिलेशन की वैल्यू आपने ऊपर निकाल दी है, कितनी है, क्यू ई अपॉन एम और टी स्क्वेयर, हाफ क्यू ई अपॉन एम और टी की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वेयर वी स्क्वेयर। अब जो वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको आपने कांस्टेंट ले लेना है, जैसे हाफ क्यू ई और एम वी स्क्वेयर, पैराबोलिक इक्वेशंस आपने स्टडी की हुई हैं, तो ये जो वैल्यू है हाफ क्यू ई एम वी स्क्वेयर ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से ये आपने आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी हाफ सॉरी के एक्स स्क्वेयर, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन आपने स्टडी की हुई है ना, मैथ्स में भी की हुई है, तो ये एक तरह से वो पैराबोलिक इक्वेशन आ गई एक्स का स्क्वेयर। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर बस सिंपल सी यही बात समझने की ज़रूरत है आपको कि देखो जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है तो तब तक जो पार्टिकल है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव करेगा और सी पॉइंट पर हिट करेगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पार्टिकल हमारा अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगा पार्टिकल के ऊपर मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू आप निकाल दोगे। और उसके बाद आपने बताना है कि अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है फोर्स से आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जब निकाल दोगे यहाँ पर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि जो डायरेक्शन होगी चार्ज पार्टिकल की वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा था, जैसे ही उसने इस रीजन को यहाँ से
छोड़ा तो वो स्ट्रेट लाइन में जैसे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन कहाँ हिट करेगा, स्क्रीन पर हिट करेगा, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो कुछ ना कुछ टाइम तो उसको लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए पी पॉइंट पर, और अलोंग ये आपके पास डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपके पास वर्टिकल मोशन में एस कितना डिस्प्लेसमेंट लिया उसने, ये वाई आ जाएगा, ये आपके पास अलोंग वर्टिकल मोशन में। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो एस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा और यू आपका वी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे स्टार्ट हुआ ना पार्टिकल चलना तो यू इज चेंज इंटू वी, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। वर्टिकल मोशन के लिए यू आपका जीरो रहेगा क्योंकि अब पार्टिकल आपका यहाँ से ऐसे करके ये आएगा, एस इज इक्वल टू वाई, तो वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी। तो ये एक तरह से कैसी इक्वेशन आएगी, एक पैराबोलिक इक्वेशन आएगी। तो ये आपको स्टडी आपने करना है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। और ये था टॉपिक आपका चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि शो दैट द पाथ फॉलोड बाय ये चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या तो ऐसे भी शो दैट द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक इन नेचर।